और भी एक आने वाली फिल्म है, फिल्म का नाम है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और इस फिल्म की एक न्यू टीजर लॉन्च हुआ था, हो सकता है कि इस गाना भी इस फिल्म के साथ आ सकता है रिमेक सॉन्ग। और इस फिल्म में एक साथ देखा जाएगा अनिल कपूर, जूही चावला और इसके अलावा सोनम कपूर, राजकुमार राव। और ये फिल्म रिलीज होगी 2019 फरवरी महीने की 1 तारीख में। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। गुलशन कुमार की बायोपिक आने के लिए है और गुलशन कुमार के रोल करने वाले हैं आमिर खान। और ये फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होगी और ये फिल्म भी अगले साल दिसंबर महीने में रिलीज होगी। और जुआ फैक्ट्री नाम से भी एक फिल्म आने वाली है। इस फिल्म में सोनम कपूर और दक्षिणी अभिनेता अंगन बेदी नजर आने वाली है और ये फिल्म रिलीज होगी 5 अप्रैल 2019 में। स्त्री के बारे में क्या पता है आपको? कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक विषया हुआ करती थी। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था, सच्चा प्यार। और इसी साल 14 अगस्त स्त्री नाम से एक फिल्म रिलीज होने वाली है और इस फिल्म नजर आएगी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी। और इस फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज हो चुका है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है साले, क्या बकवास कर रहे हैं? क्यों हर साल तुम्हारी साली एक गर्लफ्रेंड पूजा के टाइम ही आती है और बाद गायब हो जाती है। अगले बॉलीवुड की दो फिल्म की रिलीज डेट चेंज किए गए हैं। एक फिल्म का नाम है मन मंजिया और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है अनुराग कैप्सन और इस फिल्म में देखा जाएगा अभिषेक बच्चन, तापसी पन्नू। और इस फिल्म का रिलीज डेट एक हफ्ता पहले किया गया है 14 सितंबर। और इसके अलावा और भी एक फिल्म का रिलीज डेट चेंज किया गया है, उस फिल्म का नाम है हेलीकॉप्टर इल्ला और इस फिल्म में रिद्धिसेन टोटराय चौधरी नजर आने वाले हैं और ये फिल्म इसी साल 7 सितंबर को रिलीज होगी। और जसराज फिल्म की आने वाली फिल्म सुधागांव मेड इन इंडिया और इस फिल्म को मेन रोल में देखा जाएगा वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है शरद कटरिया और ये फिल्म रिलीज होने वाला है 28 सितंबर 2018 में। और इस फिल्म में वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को एक न्यू लुक में देखा जाएगा, जैसे कभी शायद इस वरुण धवन को इस लुक में पहले कभी भी नहीं देखा गया। भारत नाम की जो फिल्म आने वाली है उस फिल्म के मेन रोल में देखा जाएगा सलमान खान को और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अली अकबर जफर।